नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। जी हाँ, इस समय सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस पूरा देश देख रहा है, लेकिन भोजपुरी का एक भी स्टार कलाकार इस शो में नहीं है। इस वजह से काफी नाराजगी पूर्वांचल वालों को है, पटना बिहार में भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। लेकिन एक बात ऐसा भी है कि जब जब भोजपुरी स्टारों ने बिग बॉस के घर में एंट्री की है, कहीं ना कहीं टीआरपी या यहां जाकर पहुंची है। कुछ नाम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि आखिर वो कौन से सज्जन रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, जो बिग बॉस के घर में जाकर काफी नाम कमा चुके हैं, काफी झगड़ा कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ से। सीजन 6 में दिखाई दिए थे और एक हफ्ते में ही बाहर हो गए। हालांकि जब तक रहे तब तक इतना झगड़ा किए कि टीआरपी नंबर 1 पे रही है। दूसरा जो नाम आता है वो मोनाली से आता है। इस बिग बॉस के घर में जाके ही जो है मोनालिसा ने काफी नाम कमाया। बाहर निकलते ही उन्हें टीवी सीरियल भी ऑफर होने लग गए और इसी शो में उनके उनके बॉयफ्रेंड यानी जो भोजपुरी में एक्टर भी है विक्रांत सिंह राजपूत के साथ मोनालिसा की नेशनल टीवी पर शादी भी कराई गई और हनीमून भी कराया गया। उस समय भी टीआरपी कुछ नंबर 1 पर ही रही है। श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा चर्चित कलाकारा रही है। बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया, आजकल वेब सीरीज में दिखाई दे रही हैं। ये भी सीजन 4 में आई थी, काफी झगड़ा रहा, काफी विवाद किया, काफी बहस की और आखिरकार सीजन 4 को जीत ही लिया। विनर रही हैं श्वेता तिवारी। संभावना सेठ का नाम अगर हम ना लें तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिग बॉस के घर की हिस्सा बन चुकी है संभावना सेठ। पायल रोहतगी के साथ इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और लगातार अपने तेज तरार बातों की वजह से, अपने विवाद बयानों की वजह से बिग बॉस के घर में जब तक रही तब तक आतंक मचाए हुए थे जी। जी हाँ, आपको बताया कि दूसरे सीजन में ही संभावना सेठ की एंट्री बिग बॉस के घर में हो चुकी थी। रवि किशन का अगला नाम आ रहा है, जो इस समय भाजपा से सांसद भी हैं गोरखपुर जिले से और भोजपुरी इंडस्ट्री के, इनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है, मेगा स्टार कहा जाता है। ये भी बिग बॉस के घर में पहुंचे हुए थे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। न केवल मौजूदगी दर्ज कराई थी बल्कि भोजपुरी का अलग ही नाम, अलग ही लेवल पर रोशन भी किया था। अगला नाम है मनोज तिवारी जी का, जो खुद सांसद हैं और ये भी जो है बिग बॉस के घर में जा चुके हैं। अंडे के लिए इन्होंने खूब ज्यादा लड़ाई की है। सीजन 4 में नजर आए थे मनोज तिवारी, काफी दिनों तक रहे थे, अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में भी रहे थे। अगला जो नाम आता है वो है अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना गाए हुए दीपक ठाकुर का। आजकल भोजपुरी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन सीजन 12 में 25 लाख रुपया लेकर बिग बॉस के घर को इन्होंने बाय कह दिया था। ये वो बड़े नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री से जो बिग बॉस के घर में गए और बहुत सारा धमाल मचाया। जो सबसे बड़ा नाम है आखिरी में जाते जाते वो ना बताएं तो गलत ही होगा, खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर रहे हैं। सीजन 13 में वे गए थे और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देश भर, पूरा यूपी, बिहार, पटना, सब दबा के इनको वोट कर रहा था, ऐसा ओटी आ रहा था कि बाहर ही निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार इन्हें निकालने के लिए बिग बॉस ने एक ऐसा गेम खेला कि घर के सदस्यों को ही कह दिया कि आप उस किसी एक सदस्य का वोट करके आप उसे बाहर निकाल सकते हैं जो इस घर में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा। सब एक होकर खेसारी लाल यादव के खिलाफ वोटिंग की और आखिरकार खेसारी लाल यादव जो है बाहर निकले। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक बिग बॉस के घर में खेसारी लाल यादव रहे तब तक टीआरपी सुर्खियां बटोर रही थी। तो इस वीडियो का समापन इस अहम जानकारी के साथ। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे जरूर लिखें, बने रहें हमारे साथ।